लव्य व्यवस्था अध्याय 14। लव्य व्यवस्था अध्याय 14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहरने की व्यवस्था यह है कि वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए दो शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाए, और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर सात बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे, और शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवा कर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परंतु सात दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे, और सातवें दिन वह सिर, दाढ़ी और भौहों के सब बाल मुंडवाए और सब अंग मुंडन कराए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और आठवें दिन वह दो निर्दोष भेड़ के बच्चे और एक वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची और बलिदान के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3/10 अंश मैदा और लोज भर तेल लाए, और शुद्ध ठहराने वाला याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध होने वाले मनुष्य को यहोवा के सन्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोषबलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए, और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए, और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहां वह पापबलि और होमबलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पापबलि याजक का निज भाग होगा वैसा ही दोषबलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा, वह परम पवित्र है। तब याजक दोषबलि के लोहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दहिने कान के सिरे पर और उसके दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर लगाए, और याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले, और याजक अपने दहिने हाथ की उंगली को अपने बाई हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सन्मुख सात बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दहिने कान के सिरे पर और उसके दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर दोषबलि के लोहू के ऊपर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो प्रायश्चित करे, और उसके बाद होमबलि पशु का बलिदान करे, अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी न हो तो वह अपना प्रायश्चित करवाने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोषबलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके और लोज भर तेल लाए, और दो पंडुक व कबूतरी के दो बच्चे लाए जो वह ला सके, और इनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो, और आठवें दिन वह इन सबों को अपने शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सन्मुख याजक के पास ले आए। तब
याजक उस लोज भर तेल और दोष बलि वाले भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए, फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दहने कान के सिरे पर और उसके दहने हाथ और दहने पांव के अंगूठों पर लगाए, फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दहने हाथ की उंगली से अपनी बाई हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सन्मुख सात बार छिड़के, फिर याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहराने वाले के दहने कान के सिरे पर और उसके दहने हाथ और दहने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के स्थान पर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहराने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दे। तब वह पंडुको व कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसके इतनी पूंजी न हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूं, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा देख पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है, तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो, कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए, तब वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी व लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हो, तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को सात दिन तक बंद कर रखे और सातवें दिन याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर खुरचवाए और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाए और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे, और यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले तो याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है, वह अशुद्ध है, और वह सब गारे समेत पत्थर लकड़ी और घर को खुदवा कर गिरा दे और उन सब वस्तुओं को उठवाकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे, और जब वह घर बंद रहे तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए वह भी अपने वस्त्रों को धोए, और यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है तब से उसमें व्याधि नहीं फैली है, तो यह जानकर कि वह व्याधि दूर हो गई है घर को शुद्ध ठहराए, और उस घर को पवित्र करने के लिए दो पक्षी, देवदार की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लिवा लाए, और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे, तब वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा
और जीवित पक्षी इन सबों को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लोहू में और बहते हुए जल में डुबा दे और उस घर पर 7 बार छिड़के और वह पक्षी के लोहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदारू की लकड़ी और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। तब वह जीवित पक्षी को नगर के बाहर मैदान में छोड़ दे। इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। सब भांति के कोढ़ की व्याधि और सेवुए और वस्त्र और घर के कोढ़ और सुजन और पपड़ी और फूल के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है।